अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 2024 में फैमिली वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कुछ बदला हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका सर्विस चाहिए किसी को तो कांटेक्ट कर सकते हो। वीज़ा अप्लाई करना हो, चैम्बर करना हो, कंपनी चैम्बर नहीं कर रहा, VFS का अपॉइंटमेंट लेना हो, सारा सर्विस मैं देता हूँ। कोई भी सर्विस चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो गूगल में जाना है, गूगल में जाके लिखना है visa.mofa.gov.sa। मैं बहुत बार अप्लाई करता हूँ तो मुझे रेकमेंड कर रहा है गूगल। देखिए पहला वाला लिंक, यहाँ पे क्लिक किया। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है तो लेट पेज खुल रहा। इस तरह से पेज ओपन होगा। अभी उन्होंने वीज़ा प्लेटफॉर्म को चेंज किया है, फिर से ये आ जाएगा कुछ दिन में। इसको कट कर देना, पहले वाले से ही हम लोग कर लेंगे पुराना वाला। पहले यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश कर लेना, यहाँ पे इंग्लिश। फिर से ये पॉपअप आया, इसको फिर से हटा देते हैं। ओके, इंग्लिश आ गया। नीचे आना है, नीचे आके सिटीजन एंड रेसिडेंट ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम लोग रेसिडेंट है तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रेसिडेंट वाला। इकामा वाले जितने हैं ना सऊदी अरब में, वो सब रेसिडेंट है। इस तरह से पेज ओपन हुआ, यहाँ पे फिर रेसिडेंट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, देखिए लेफ्ट साइड में फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेसिडेंट लिखा हुआ है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। पहले अपशर का भी ऑप्शन था लेकिन अब सिर्फ नफात कर दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ इकामा नंबर आपको डालना है, नफात में नोटिफिकेशन जाएगा उसको एक्सेप्ट करना है। तो जिनका मैं अभी कर रहा हूँ उनका डालता हूँ नफात। ओके, 2255992925। ओके, लॉगिन कर देना है। देखिए नफात में ये कोड जाएगा 53, तो मैं उनको बोल देता हूँ 53। वो बंदा उधर जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिक्योर कर दिया। क्या वो एक्सेप्ट करेगा, मैं वेट कर रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम रहता है नफात में, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया बंदे ने। जैसे वो करेगा यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन ले लेगा। देखो उसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे वो एक्सेप्ट करेगा ना, कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा। पहली बार कर रहे हैं तो ये ब्लैंक रहेगा, इसको भर लेना। कैसे भरना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मोबाइल नंबर अपना डाल देना। नंबर डाल देता हूँ जिनका कर रहा हूँ उनका। ओके, मेल आईडी मांग रहा है तो यहाँ पे मेल आईडी कुछ भी हम डाल सकते हैं। एड्रेस मांग रहा, तो ये दमाम में रहता बंदा तो दमाम डाल दिया मैं। हो गया सब। नीचे में इमेज कोड है 3235 19। ओके, डाल दिया, सेव कर दिया मैं। इसका इसका जो डेटा है ना वो सेव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा। हो गया, अब मुझे यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिंपल यहाँ पे अप्लाई पे जाना है, रेसिडेंट वाला ऑप्शन में अप्लाई फॉर्म आएगा, वो फॉर्म को भरना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक किया, मुझे सबसे पहले यहाँ पे मांगा जा रहा है एंट्री वीज़ा नंबर। एंट्री वीज़ा नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, इकामा नंबर भी अगर आप देंगे ना तो भी काम चल जाएगा। ये इकामा नंबर डाल दिया, एड पे क्लिक करना है। जैसे एड पे क्लिक किया, ये फॉर्म भर के ये फॉर्म जनरेट हुआ। नेशनलिटी पहले सेलेक्ट कर लेना, ये इंडियन है तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये फॉर्म को भरना है। फॉर्म को कैसे भरेंगे भाई, जिनका भर रहा हूँ उनका नाम है कुदरत, तो यहाँ पे लिखना है कुदरत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुदरत। ठीक है, पूरा लिख के नहीं भर रहा हूँ मैं, सिर्फ बता दे रहा हूँ क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम है गिवेन नेम में कुदरत, तो यहाँ पे मैं कुदरत डालूंगा। उसके बाद ये वाला ये दोनों ऑप्शन को छोड़ देना है, फादर नेम और ग्रैंड नेम को छोड़ देना है। लास्ट में आ जाइए, उनका नाम है पटेल, सरनेम पटेल है तो यहाँ पे पटेल डाल दिया। अब देखिए कुछ लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई इसका इस्तेमाल हमें कब करना है, तो
तो ये दोनों का इस्तेमाल तब करना है जब किसी का बहुत बड़ा नाम है और ये कॉलम में नाम एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसमें 12 अक्षर ही लिख सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं। मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखिए 12 से ज़्यादा नहीं आता है, इसमें भी 12 से ज़्यादा नहीं आएगा, सब में 12 ही आता है। तो कई बार कुछ लोगों का नाम बहुत बड़ा रहता है, खास करके साउथ तरफ में, तो अगर किसी का बहुत बड़ा नाम है तो पहले यहाँ डालना जितना अट रहा, उसके बाद यहाँ डालना, फिर यहाँ डाल के एडजस्ट कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक बताया मैंने। बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस में आप क्या डालोगे, पासपोर्ट में रहता है कि कहाँ उनका बर्थ हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग डाल देना। हम लोग का सरायकेला खरसवां पड़ता है, किसी का जमशेदपुर, किसी का रांची पड़ता है, तो वो डालेंगे। बर्थ डेट जो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग रहेगा वो डालना है। ऑक्यूपेशन स्टेटस, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है भाई, वो करते क्या है, तो ये अनएम्प्लॉयड भी कर सकते हैं आप। अगर वो एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे बहुत सारा ऑक्यूपेशन है, वो आपको डालना पड़ेगा। बेटर है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड कर देना, कौन लेगा झमेला। ठीक है, इसको अगर अनएम्प्लॉयड कर देंगे ये वाला ऑप्शन ही हट जाएगा, तो इसको अनएम्प्लॉयड कर देना। रिलीजन में वो जो धर्म से बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कर लेना, अगर इस्लाम मुस्लिम है तो इस्लाम, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम। उसके बाद जेंडर, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, पहले अदर का भी ऑप्शन हुआ करता तो हटा दिया। रिलेशन, वो क्या लगते हैं ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आप। मोबाइल नंबर इंडिया का, सऊदी का, कोई भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। मेल आईडी भी कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद नीचे सीधा पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर देख देख के डाल देना। पासपोर्ट ये नॉर्मल ही रहेगा ज़्यादातर, अगर कोई डिप्लोमेटिक है, स्पेशल ट्रेवल, कोई हाई लेवल का बंदा है तो अलग रहता, नहीं तो नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, पासपोर्ट इशू डेट पासपोर्ट पर रहता, उसके अकॉर्डिंग डाल देना। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट भी पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही डाल देना, उसमें रहता है। पासपोर्ट इशू प्लेस में, जहाँ से पासपोर्ट आपका इशू किया गया है, वो भी रहता है फर्स्ट पेज में। हम लोग का रांची से होता है तो रांची देंगे, आप लोग अपना एरिया का देख के डाल देना। कमिंग प्लेस, यहाँ पे मिशन सेलेक्ट करना है। इंडिया में दो जगह है, दिल्ली है और मुंबई है, ये मुंबई। अब देखिए भाई, पहले तो VFS नहीं था, अब BFS का सिस्टम है। अगर आप लोग दिल्ली सेलेक्ट करोगे, ये दिल्ली, तो तीन जगह से आपका स्टैम्पिंग होगा, फैमिली को VFS भेजना होगा, दिल्ली में, लखनऊ में या कोलकाता में। याद रखिएगा, दिल्ली के अंडर 3 VFS। अगर वहीं आप लोग मुंबई सेलेक्ट कर लोगे तो मुंबई के अंडर में बहुत सारे ऑप्शन है VFS का। मुंबई खुद है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, उसके बाद साउथ में कालीकट है, कर्नाटका है, सॉरी कर्नाटका बोल रहा हूँ, बेंगलोर है, चेन्नई है, तो ये सारे ऑप्शन है मुंबई में, मुंबई में ज़्यादा है। तो ये आप सेलेक्ट कर लेना कहाँ से करना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज में मल्टीपल कर लेना, मतलब एक साल हर 90 90 दिन में बढ़ाना है। वैलिडिटी ड्यूरेशन 365 डेज कर लेना, और वीज़ा पीरियड को 90 डेज कर लेना। अब एक अच्छी बात क्या मालूम है, एरर नहीं है यहाँ पे, पहले एरर बहुत होता था, थोड़ा सा अगर लेट करेंगे ना तो ये वाला गायब हो जाता था, वीज़ा पीरियड वाला, ये गायब हो जाता था, फिर से भरो। तो अब ये चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, ये अच्छी बात है। तो इस तरह से ये फॉर्म को भरना है भाई। फॉर्म को भरने के बाद एड पे क्लिक करना, अगर अभी तो ये लेगा नहीं क्योंकि इतना सारा रिक्वायर्ड डिटेल मैंने भरा नहीं है। एड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लंबा एक नीचे आ जाएगा डेटा सबका, चेक कर लेना। फिर अगर और ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करके और फॉर्म भर लेना, अगर 3 4 आदमी 5 है तो ऐड कर करके सबका भर लेना। भरने के बाद लास्ट में ये इमेज कोड डालना, ये एग्रीमेंट वाला को अप्रूवल टिक कर लेना, सेव कर देना, अच्छे से सारा डिटेल को चेक कर लेना, उसके बाद सेव कर लेना। सेव कर लोगे, पहले अरबिक में ओरिजिनल फॉर्म में सेव कर लेना, उसके बाद उसको इंग्लिश में भी आप लोग कर सकते हो। अरबिक वाला ही सबमिशन करना जब आप चैम्बर के लिए देंगे, अरबी में एक्चुअल नेम रहता है, इंग्लिश में क्या होता है ट्रांसलेट हो जाता है ना, तो नाम का स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो कई लोग उसमें टेंशन में आ जाते हैं, भाई नाम का स्पेलिंग गलत हो गया, कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए अरबी वाला ही सबमिशन करना बेस्ट। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। 2024 में इसी तरह से वीज़ा अप्लाई करना है। किसी को भी अगर सर्विस चाहिए, वीज़ा अप्लाई कराना हो, या चैम्बर नहीं कर रहा आपका कंपनी, चैम्बर का सर्विस चाहिए, चैम्बर भी मैं करके देता हूँ, वीज़ा कंप्लीट अप्रूव करके देता हूँ, तो
मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। VFS के टाइम अगर अपॉइंटमेंट चाहिए किसी को तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो जिस चैनल पे आप लोगों को मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।